ये रास्ता है केलंग से सीधा मनाली रोड की तरफ को। यहीं से आगे को आके एक जॉइंट मिलता है, देखिए यहाँ पर, जो कि एक रास्ता ऊपर उदयपुर को जाता है और नीचे वाला केलोंग और वापस वाला मनाली को। तो नमस्कार, मैं दीपकार बुरासु की आपको अपने दीपकार बुरासु की चैनल पर आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए आपको हम उदयपुर और माता मृत्युकुला माता और त्रिलोकीनाथ की तरफ को ले चलते हैं। तो हम अपने केलोंग के होटल नॉर्थलिंग से चले, यहाँ से पूरा 54 किलोमीटर है उदयपुर। सबसे पहले अभी हम जूनिफर वैली कैंपस के आसपास पहुँचे। यहाँ पर एक कैंपिंग साइट, बहुत अच्छा कैंपिंग साइट है। अक्सर यहाँ पर काफ़ी टूरिस्टों की भारम भार होती है। आजकल थोड़ा ऑफ सीजन है, इसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट काफ़ी कम है। तो जूनिफर वैली कैंपस को आगे से क्रॉस करते हुए हम आगे को निकले। यहाँ से थोड़ा सा आगे को ITBP का जो कैंप है, यहाँ पर भी आपको यहाँ से ठीक पहले को यहाँ से चंद्रभागा नदी का बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है, जो कि एक पिकनिक स्पॉट्स भी हैं। यहीं पर अक्सर लोग पर्यटक आके अपना पिकनिक करते हैं या कैंपिंग करते हैं। यहीं से आगे को ये ITBP का कैंप है, जहाँ यहाँ पर कि आपको एमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो यहीं से थोड़ा सा आगे को जाके 0 पॉइंट ब्रिज है, जहाँ से कि आजकल वो एक बर्फबारी के दौरान ये टूट गया था। तो ये है ITBP का कैंप, जो कि आजकल काफ़ी खाली है, शायद एडवांस उसमें चले गए हुए हैं ये। तो यहीं से आगे को आके ये है 0 पॉइंट का ब्रिज, जो कि आजकल टूट चुका है हिमस्खलन के कारण। तो यहाँ से एक धूल भरा सड़क जो कि ऊपरली साइड को जाएगा, और यहीं से वो जो कि आगे को रास्ता लौट लौट गांव का है, वहाँ से कर सकते हैं। लौट विलेज में भी आपको ATM की सुविधा है और स्टेट बैंक है। तो यहीं से हम धूल भरे रास्ते से करते हुए अभी हम आगे को निकल रहे हैं, जो कि करगा से आगे को है ये। तो ITBP कैंप से थोड़ा सा आगे को ये 0 ब्रिज से अब हम कुकुमसेरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुकुमसेरी के बाद में जहलमा, ये जहलमा के पास में ये बहुत प्यारा सा स्तूप टाइप में बनाया हुआ है बौद्धिस्टों का, जिसको कि छोस्तेन बोलते हैं। इसके अंदर धार्मिक किताबें वगैरह रखी जाती हैं। और यहीं से हम आगे को आए और जहलमा पुल से हम आगे को निकल गए। यहीं से अब उदयपुर का ये बस स्टैंड है, जो कि सड़क से निचली साइड को, उदयपुर के जो मेन सिटी है, शहर है, उससे थोड़ा सा पीछे को है उदयपुर बस स्टैंड। यहीं से आगे को ये उदयपुर शुरू हुआ है। उदयपुर से थोड़ा पीछे को कुकुमसेरी में यहाँ पर कॉलेज वगैरह है, जो कि डिग्री कॉलेज है उदयपुर का, काफ़ी बच्चे वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पर उदयपुर पे एक छोटा सा ये शहर है, जो कि यहाँ पे आपको सारा होम स्टे टाइप का भी जगह मिल जाएगा और ठहर भी सकते हैं काफ़ी नॉमिनल चार्ज में। तो यहाँ पर उदयपुर में सबसे प्रसिद्ध है मृकुला का माता का मंदिर, जो कि सामने ही सड़क के साथ में ही है। और यहीं पर काफ़ी बड़े दो छायादार पेड़ हैं, जिसके नीचे की काफ़ी सारे बैठे हुए हैं अभी लोग। और यहाँ पर ये जो अपने पुलिस के हैं कांस्टेबल, अपने मोबाइल पे बहुत मस्ती हैं वो। तो यहाँ से ठीक ऊपर को आपको जो थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा सड़क से आगे को, यह है मृकुला माता का मंदिर, जो कि आपको पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छोटा सा बाजार है मृकुला माता का, आसपास पूजा की सामग्री वगैरह मिल जाते हैं यहीं पर। यह मृकुला माता का मंदिर जो कि 2743 मीटर पर स्थित है, और कैलोंग से लगभग 54 किलोमीटर के आगे को है। यह है मृकुला माता का मंदिर, जो कि एक पहाड़ी और पैगोडा शैली दोनों पे मिलके बनाया हुआ है। जैसे कि हिडिम्बा माता का मनाली में मंदिर है, उसी तर्ज पे यह मृकुला माता का मंदिर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बौद्धिस्ट और हिंदू धर्म के दोनों ही धर्मावलंबी यहाँ पर आते हैं, धर्म को मानने वाले आते हैं। वो अपने अपने आराध्य देवी मानते हैं, बुद्धिस्ट भी और हिंदू का तो है ही है। इसको राजा उदय सिंह ने बनाया हुआ था,
उन्होंने इसकी स्थापना तो बहुत पहले से हुआ होगा, मगर उन्होंने इसका काफ़ी प्रचार किया राजा उदय सिंह, जिन्होंने कि यहाँ पर राज किया था। और ये है हमारे भीरू जी, जो कि अब जा रहे हैं, जो मेरे साथ आए हुए थे गाड़ी में। बिल्कुल माता के मंदिर के बाहरी प्रांगण में ही एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, मगर हैरानी की बात है कि कितने भी जोर से वाले आए इसको कभी उठा नहीं सकते हैं, कंधे तक बिल्कुल नहीं ले जा सकते। जैसे देखिए जवान उठा रहा है, मगर हार मान के हट गए ये भी। तो इसके बाद अब एक बच्चा उठाने की तैयारी कर रहा है, देखते हैं। तो बच्चे ने भी एक जोर लगा रहे हैं, मगर उठा नहीं पाया, हट गया वो भी। तो ये यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पीछे को ये त्रिलोकीनाथ की तरफ को रास्ता जाता है, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर त्रिलोकीनाथ है। त्रिलोकीनाथ भी बौद्धिस्ट धर्म मानने वालों, हिंदू धर्म मानने वालों का उनका एक जगह है, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर है। और ये त्रिलोकीनाथ मंदिर अभी हम पहुँच गए। यहाँ पे बिरू जी कुछ बात कर रहे थे किसी उनके साथ, साथ में यहीं से ही एक छोटा सा बाज़ार, गलीनुमा बाज़ार जाता है, और त्रिलोकीनाथ को अंदर को जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बाहर का प्रांगण का ही दिखा पाएंगे त्रिलोकीनाथ का। अंदरली साइड को अलाउड नहीं है, हालांकि यहाँ पर जो ड्यूटी में हिमाचल होमगार्ड के हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद किया, काफ़ी कुछ अंदर से बताया, मगर फ़ोटो का वो भी मजबूर थे, तो हम बाहर से ये कर रहे, हवन कुंड का ले रहे। ये है त्रिलोकीनाथ मंदिर, जिसको कि बुद्धिस्ट लोग अवलोकेश्वर कर मानते हैं, और हिंदू में भगवान शिव का मानते हैं। तो ये चंबा लाहौल में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और इसके ही चारों तरफ को यहाँ पर दुकानें वगैरह हैं, और भाली साइड को ये शिवलिंग है, इसमें आप पानी चढ़ा सकते हैं। ये हैं वो होमगार्ड के, जिन्होंने हमारी काफ़ी मदद किया था। यहाँ पर अंदर को बहुत दूरी से कोविड के कारण दूर से ही दर्शन किया जाता है। ये हवन कुंड, जहाँ पर भी शायद अभी हवन वगैरह हुआ होगा, तो अभी तक इसमें धुआं वगैरह आ रहा है, चल रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भी 24 घंटे लंगर का सेवा का है। यहाँ पर इस शिवलिंग पे आपको पानी चढ़ा सकते हैं आप। बाहर अंदर मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं है। इसी के अब साथ हमने आपको दोनों त्रिलोकीनाथ और उदयपुर का दर्शन कराया। देखिए त्रिलोकीनाथ का बाहर का जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आप पार्क सकते हैं, वहाँ से व्यू है, बहुत सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का। देखिए हरियाली, और नीचे साइड को जो कि चंद्रभागा नदी है, वो बिल्कुल साफ अच्छा दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।